नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो अभ्यास शब्द पे विचार करेगा। ये एक ऐसा शब्द है जो कि रूट है संस्कार का और संसार का, ये कर्म है संसार का। अभ्यास शब्द या अभ्यास जो अक्षर है या शब्द है पूरा का पूरा, जो इसका मतलब होता है रिपीटिशन। और इस शब्द को लेके मिस्टिसिज्म की शुरुआत इस शब्द से होती है। आपने ऐसे कई लोगों के बारे में, और मैंने भी कई बार आपसे ये वर्णन किया है कि बहुत सारे अनेकों प्रकार के वृद्धाश्रम होते थे पहले, जहाँ पे लोग जाते थे और अपनी एक्टिविटी को ससेट करते थे, यानी स्टॉप करते थे। ऐसा क्यों होता था, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। अभ्यास शब्द दोस्तों पतंजलि योग सूत्र में काफ़ी बार मेंशन हुआ, काफ़ी बार उसका वर्णन हुआ, जिक्र हुआ। पतंजलि योग सूत्र की सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी एसेंशियल्स ऑफ पतंजलि योग सूत्र जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा अगले काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। आप लोग के परकच्चे उड़ जाएंगे, इतनी ख़तरनाक वो बुक है। और कैसे वो बुक सिर्फ क्या बात करती है पता है आपको? वो बुक ये बात ही नहीं करती कि ये आसन होता वो आसन होता, आसन की तो बात ही नहीं है। पूरे बुक में सिर्फ 3-4 जगह मेंशन है। वो बुक दोस्तों नेचर ऑफ द माइंड एंड पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करती है, नेचर ऑफ द बॉडी एंड नेचर ऑफ द माइंड। मतलब आप समझ लो कितना कुछ हो सकता है उसमें। वो बुक जादुई बुक है, जादुई बुक है भाई साहब, वो जादुई बुक। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना उस बुक में कि अगर मैंने आपको बता दिया आप कहोगे हाँ एकदम सही है, और लॉजिकली एकदम आपको बैठेगा वो। लेकिन एक जो शब्द है जो बहुत भयानक तौर पे एसेंशियल माना गया, वो शब्द है अभ्यास। जो पिछला पॉडकास्ट था दोस्तों, वो क्या पॉडकास्ट था? वो पॉडकास्ट था एंटीना। मैंने आपसे एंटीने के बारे में बात करी कि जहां पे आप अगर आप माइंड को एक स्टेट पे ले आए जिसको हम धारण बोल, तो ध्यान लगता है और उसके बाद यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने लगता है। ये तो चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए है अपनी तरफ। और चीज़ों का मतलब जब मैं कहता हूँ तो मैं भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई प्रश्न है उसका उत्तर चाहिए आपको, तो वो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, वो डायरेक्शन मिल जाएगी। हंचिस कहते हैं ना, कभी कभी हम नहा रहे होते हैं एकदम से आता है अरे कहीं ये तो आंसर नहीं है, और आप जाके देखते हो और इन्वेस्टिगेट करते हो तो पता चलता है वही आंसर था। कई लोग मेरे पॉडकास्ट को हल्के में सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने पिछले 2 साल से, जो भी लोग 2 साल से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरे पॉडकास्ट बहुत ही बेसिक से चालू हुए थे और एक्सट्रीमली डीप जो है पॉडकास्ट की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत क्या, पिछले 1 साल से यही हो ही रहा है। बट कुछ चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं, और कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है कि मैं ही ये सब चीज़ें डिस्कवर कर रहा हूँ और अपने ऊपर ही यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब आप पुराने सेजेस की बुक पढ़ते हो और एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी होती है, बस शब्द अलग होता है, नाम अलग दिया हुआ है चीज़ों का, तो आपको लगता है नहीं मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। और वो जो कुछ भी किया है उससे कोई भौतिक वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी, मटेरियल चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया है। मेरा जो सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर है मेरा वो है कि ऊर्जा जो है वो अच्छी जगह से इस्तेमाल हो। ये ऊर्जा जो है वो एक, मतलब इतने मनुष्यों में लाखों करोड़ों 10,000 करोड़ मनुष्य आ चुके हैं अभी तक, उसमें से अगर मेरा नाम आएगा तो मेरा नाम आएगा भाई ये कुछ 100 लोग थे उसमें से ये पार्थ सिंह करके एक आदमी है, इसने अपनी ऊर्जा का अच्छा इस्तेमाल किया। उस इस्तेमाल करने से कोई भौतिक वस्तु उसको प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि
जब मैं संसार के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा देखो मैंने ये प्राप्त किया है, तो कहेंगे ये क्या है, तो बेकार है। क्योंकि कहते हैं ना जौहरी को हीरे की परख होती है, तो बाकी अगर आप जौहरी हो तो ही आप इसको पढ़ोगे। तो अगर आप मेरी तरह हो, अगर आप इन सब चीज़ों की वैल्यू करते हो, तो आप बहुत स्पेशल हो इस दुनिया में। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैंने ये ऊर्जा इस्तेमाल करी, तो कहेंगे क्या खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया क्या इससे आपने, क्या आपने इससे रोल्स रॉयस खरीद ली, क्या इससे आपने अनेकों लड़कियों के साथ संबंध बना लिए, तो वो सब तो प्राप्ति नहीं हुआ। बंगला बना नहीं, मुकेश अंबानी तो बने नहीं, आईपीएल की टीम तो खरीदी नहीं, फुटबॉल की टीम तो खरीदी नहीं, यूपीएससी तो क्रैक ही नहीं किया आपने, तो क्या आपने उखाड़ दिया, ऊर्जा का इस्तेमाल किया क्या कर दिया आपने, तो वो जौहरी नहीं है, वो मूढ़ बुद्धि के लोग होते हैं। मैंने बोला ना 70-80% लोग इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। और इसका परीटो प्रिंसिपल से लिंक है, बिकॉज 80% लोग जो हैं वो मेटल ही होंगे, ये एक सिद्ध पैटर्न है इस यूनिवर्स में। द वर्ड अभ्यास, वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट मैं कई बार बता चुका हूँ कि पुराने ज़माने में वृद्धाश्रम लोग जाते थे, वहाँ पे अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से अलग टाइम स्पेंड करते थे, और उसके बाद वृद्धाश्रम में ही अपना देह त्याग कर देते थे। पर ऐसा होता क्यों था, पहले इसको समझने की आवश्यकता है आप लोगों के लिए। देखिए, मेरे पास हमेशा ब्रेकअप के लिए क्वेरीज आती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ संपर्क तोड़ दो। संपर्क तोड़ने से ऑटोमेटिकली मोह खत्म हो जाता है, चाहे वो आपसे आपकी माँ का मोह ही क्यों ना हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, चाहे वो आपसे आपकी माँ का मोह ही क्यों ना हो, अगर आप अपनी मम्मी से 2-3 साल के लिए अमेरिका चले जाएं, तो आपको शुरू में जो 6 महीने सफरिंग होगी, मम्मी की याद आएगी, उसके बाद वो एक नॉर्मैलिटी बन जाएगा आपके लिए, और प्रेम रहेगा। मम्मी को कुछ हुआ तो आप वहां से फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाओगे, याद रखना मेरी बात, लेकिन वो दर्द नहीं होगा कि मैं उनसे दूर हूं। और दर्द नहीं होगा क्यों, क्योंकि मोह नहीं है। प्रेम में दर्द नहीं होता है, मोह में दर्द होता है, मोह में कष्ट होता है, अमोह में कष्ट होता है, विरह में, वियोग में, विरह मतलब क्या, सेपरेशन, वियोग मतलब क्या, सेपरेशन, विरह में कष्ट होता है, योग में कष्ट नहीं होता, प्रेम में कष्ट नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। जुड़ाव में कष्ट होता है, ठीक है, और मोह जो है वो जुड़ाव है। अमेरिका चले गए, वहां से मम्मी को कॉल कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। कई बार ऐसा होता है, तो मेरे पास लोग आते हैं कि भाई ब्रेकअप का, तो मैं उनसे बोलता कांटेक्ट तोड़ दो। और वही वृद्धाश्रम का भी कॉन्सेप्ट था कि वृद्धाश्रम का मतलब हो गया आपने अपने परिवार से एक आकाश क्रिएट कर लिया, उनसे उनसे एक स्पेस क्रिएट कर लिया, उनसे एक स्थान क्रिएट कर लिया, उनसे दूर चले गए आप, ठीक है, समझने की कोशिश करना। वृद्ध लोग पुराने ज़माने में वृद्धाश्रम चले जाते थे कॉन्टैक्ट को तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि कॉन्टैक्ट तोड़ने से मोह गिर जाता है। हमें ये लगता है कि हम अपनी मम्मी को नहीं भूल पाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पाएंगे, अपने बच्चों को नहीं भूल पाएंगे, उसका यही कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन किया, जब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चला मैंने क्वेश्चन उठाया। और जब भी मैं क्वेश्चन उठाता हूँ तो मैं सारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करता हूँ। तो पहला कॉन्टेक्स्ट जहाँ मैंने अप्लाई किया इसको, कि चलो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेट्स इन्वेस्टिगेट, तो मैंने जय कृष्णमूर्ति की आखिरी का जीवन देखा। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो जय कृष्णमूर्ति ने जो आखिरी लेक्चर दिया था उसके 1 साल बाद मरे थे, ऐसा कुछ है। ही स्पेंट हिज लास्ट डेज इन कैलिफोर्नियाज हाउस, उनका एक कैलिफोर्निया में घर था। देखिए, घर सबका होता है, स्विट्जरलैंड में आश्रम था, घर था, लंदन में एक घर था, इंडिया में घर था, और कैलिफोर्निया में भी घर था। तो भौतिकवाद बोलते समय कि भौतिक नहीं चाहिए, लेकिन सबके पास भौतिक होता है, ये बात याद रखना, तो भौतिक छोड़ना नहीं है। तो कैलिफोर्निया में उनका घर था, ही स्पेंट हिज डेज ओवर देयर, विच वॉज रियली ग्रेट, यू नो, बट वाई,
द इन्वेस्टिगेशन बिकेम सक्सेसफुल. वाई वाई डू वी वॉन्ट टू क्रिएट सम स्पेस? बिकॉज वी वॉन्ट टू ब्रेक द गॉड डैम मोह अटैचमेंट. बट अभ्यास कहाँ आता है यहाँ पे? अभ्यास क्या आता है? देखिए, जब आप किसी लड़की से मिलते हैं तो आपने एक बार उसके साथ कॉन्टैक्ट किया, फिर उसी लड़की से आप दोबारा मिले तो दो बार हुआ, तिबारा, चौबारा, पांच बारा, 100 बार हो गया, 200 बार हो गया, 2000 बार हो गया और आपको उससे प्यार हो गया 2000 बार पे. एक्चुअली ये जो मिल रहे हो ना, ये साइकिल है, एक सर्कल बना रहे हो आप. आप सुबह उठे, 2 बजे आकांक्षा से मिले, फिर वापस आ गए कोचिंग से, फिर आकांक्षा से मिले कोचिंग में, फिर वापस आ गए, फिर आकांक्षा से मिले, फिर वापस आ गए. तो 24 घंटे की जो साइकिल चलती रहती है उसमें आप भी आकांक्षा से मिल रहे हो, वो साइकिल में इन्वॉल्व है. तो आकांक्षा की एक अपनी साइकिल चलना स्टार्ट हो गई, यानी एक लूप बन गया. एंड कोई भी चीज़, पतंजलि कहते हैं, अगर किसी भी चीज़ का सर्कल बनता है तो वो उससे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उसके चक्कर ऑटोमेटिकली स्वचलित हो जाएगा, वो लगाने लगेगा. मतलब क्या कि सूर्य जो है वो आकांक्षा है और पृथ्वी जो है वो राहुल है. राहुल ने चक्कर लगाया और सूर्य ने उसको पकड़ लिया. अब वो चक्कर लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, और एक आकर्षण है. इसको बोलते हैं ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण. इसी ग्रेविटी को अटैचमेंट के साथ आप डिनोट कर सकते हो. बाहर फिजिकल वर्ल्ड में अटैचमेंट ग्रेविटी के फॉर्म में है, लिख लेना इसको कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और इनर वर्ल्ड में वही ग्रेविटी जो है वो अटैचमेंट बन जाती है. आपने कभी देखा नहीं कि मैं I am magnetically pulled by her presence. ऐसे डायलॉग सुने कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूं, कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ जा रहा हूं. और ये सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है, मम्मी पापा के साथ भी है, भाई बहन के साथ भी है. तो अभी मैं गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से इसको सुनना, ठीक है? पर अगर आप बाहर स्पेस में देखें तो यही वहां नहीं हो रहा है. देख रहे हो पैटर्न कितना खतरनाक है ये. बाहर ग्रॉस वर्ल्ड में, स्पेस में, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, खिंची चली जा रही है, चक्कर लगा रही है. और यहां भी अगर आप देखें तो आपने पहले दिन मिले, दूसरे दिन मिले, 2000 बार जब मिल गए तो एक साइकिल बन गई आकांक्षा की. अब आकांक्षा से राहुल आकांक्षा का अभ्यस्त हो गया. फिर से रिपीट करूंगा, राहुल आकांक्षा का अभ्यस्त हो गया. तो अभ्यास वर्ड आ गया यहां पे. अब ये अभ्यास वर्ड जो है बहुत मिस्टिकल वर्ड है. इसको जो आपने सोचा है ना, प्रैक्टिस, इट्स नॉट प्रैक्टिस. अभ्यास मतलब होता है रिपीटेशन. द वर्ड अभ्यास मींस रिपीटेशन एंड इट क्रिएट्स टू थिंग्स. वंस यू आर डूइंग this thing, it creates desire and it creates attachment. और universe में अगर आप देखेंगे तो desire के form में क्या है, universe का desire क्या है, एक desire बताता हूं universe का, वो है evolution. universe evolve होता है. हर बच्चा पैदा होगा तो नया बच्चा आएगा, उसके बाल कम होंगे, 32 से 28 दांत हो गए. बच्चे पहले 16 साल की उम्र में स्मार्ट थे, आज 9 साल की उम्र में स्मार्ट हो रहे हैं. जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी में भी चेंजेस आ रहे हैं. पहले मून थोड़ा सा पास था, अब मून थोड़ा दूर चला गया है. एंड्रोमीडा गैलेक्सी थोड़ा पास आने लगी है. तो देर इज चलन, देर इज एक्टिविटी, देर इज मूवमेंट एंड देर इज इवोल्यूशन ऑल्सो इनसाइड द प्लैनेट्स. वेदर द प्लैनेट हैव द लाइफ और नॉट, इट डजेंट मैटर. देर इज अ प्लैनेट कॉल्ड गैसियस प्लैनेट विच इज लाइक जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस. दीज आर आर गैसियस प्लैनेट. Some planets are rocky planets like our planet. You have to understand. So you have to, each and everything, the mind has to be correlated with antariksh. Man aur antariksh mein antar nahi hai. Man jaise kaam karta hai waise antariksh bhi kaam karta hai. Antariksh mein attachment ke form mein suraj pakadta hai cheezon ko aur aapke man mein aap attachment banate ho.
और या अटैचमेंट लेके आते हो। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अटैचमेंट बनाओगे और या तो लेके आओगे साथ में, मतलब पैदा होते ही लेके आओगे। बट संसार को इससे मतलब नहीं है कि यू आर अटैच पर्सन। यूनिवर्स को इससे मतलब है कि आपके जो ये फंडामेंटल डिजायर्स हैं वो क्या है। दैट इज द मेन एसेंस, बट वील कम ऑन टू दैट। सो क्या हुआ, आकांक्षा ने अभ्यस्त कर दिया राहुल को अपनी तरफ। ही इज हैबिचुएटेड, अभ्यस्त। पर राहुल ने अपनी नौटंकी काटी, राहुल ने चक्कर लगाना चालू किया। और जैसे पहले चक्कर लगाया तो नहीं पकड़ा, फिर दोबारा चक्कर लगाया तो हल्का सा पकड़ा, तिबारा चक्कर लगाया तो और पकड़ा, ऐसे 2000 बार चक्कर लगाया। और वो अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसका इतना चक्कर लगा चुका है कि अब वो स्वचलित हो गया, वो मोमेंटम बन गया। मतलब इट्स लाइक कि आप शुरू में जनरेटर चला रहे हो, वो जनरेटर नहीं होता हाथ वाला, तो आपने घुमाया डग 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 चलने लगा, फिर आपने हैंडल हटा दिया, वो जनरेटर स्वचलित हो चुका है। यही आपके साथ होता है, एग्जैक्टली लाइक अ जनरेटर। तो आप एक सर्कल इमेजिन करो, आपने सर्कल बना दिया, आपने ऐसे बहुत सारे मम्मी के साथ सर्कल बनाया, पापा के साथ सर्कल बनाया, तो पतंजलि क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट तोड़ दो। मतलब क्या, द मोमेंट समबडी ब्लॉक्स यू फ्रॉम इंस्टाग्राम, ब्लॉक्स यू फ्रॉम व्हाट्सएप, ब्लॉक्स यू फ्रॉम फोन कॉल्स, आफ्टर 6 to 7 months द पर्सन कम्स आउट ऑफ इट। बट देर आर सम केसेस, सम 4-5% केसेस जो 10 साल में भी बाहर नहीं आ पाते। उनका क्या है, 10 साल हो गए प्रेमिका भुलाई नहीं जा रही। एक्चुअली वो आदमी अंदर सर्कल बनाए पड़ा है, घटाघट घटाघट घटाघट, वो बार बार उन इमेजेस में जा रहा है जो उसको, क्योंकि अब लड़की चली गई है, या तो लड़की मर गई है। और यहां पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज, मैं सारे रिश्तों में, सारे रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। एक चीज बता रहा हूं बस आपको, जिससे आपको समझ में आ सके, गर्लफ्रेंड तो मर गई है या गर्लफ्रेंड चली गई है, छोड़ के ब्लॉक कर दिया उसने तुमको, लेकिन मन में 10 साल तक तुम उसको भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमको लगता है तुमने ऐसी उसकी मेमोरीज पकड़ के रखी हुई है, उसी मेमोरीज में तुम बार बार जाते रहते हो। तो चक्कर तुम बाहर फिजिकल रूप से लगाना बंद कर दिए हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं, लड़की ने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अंदर तुम चक्कर लगा रहे हो थॉट्स में। तो क्या होगा, वो बना रहेगा, कुछ छोड़ नहीं चाहता ना, वो कह रहा है कि ये मेमोरीज मेरे को सुख पैदा करती, क्यों छोड़ू मैं, मेरे पास तो आकांक्षा की केवल मेमोरी बची हुई है। अरे घोचू, खैर चलिए, वो सोल्यूशन क्या है उससे बाहर आने का, ब्रेकअप से, मैं वो नहीं बताऊंगा अभी, वो पॉडकास्ट नहीं है। बट दिस इज व्हाट अभ्यास डस, ही इज अभ्यासिंग, ही इज प्रैक्टिसिंग इन हिज माइंड एवरी डे। What is he practicing? Exactly, he is practicing to hold on that particular memory of Akansha. So what happens is ki he is attached to that memory. So it doesn't matter, it should be physical, it can be psychological also. So this has to be happening. Now what happens is when you go to the Vridhashram, and there are a lot of people. Let's say there is Krishnamurti, I will take example. So he was habituated, he was abhyas, उन्होंने बहुत कर रखा था lectures देने का। अब किसी को lectures देने के अभ्यास है, लेकिन वो जानबूझ के आत्मज्ञानी है वो आदमी। सुनना ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत important आ रही है। वो आदमी आत्मज्ञानी है, उसके बाद तो वो तो कभी भी मर जाता, सुनना ध्यान से, वो तो लेक्चर देने के बाद भी मर जाता तो क्या होता, नहीं, कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस हैज टू बी एम्प्टीड। मतलब क्या कि अगर मैं रोज सुबह उठ के दौड़ रहा हूं तो वो भी अभ्यास है। तो आइडियली मुझे लास्ट एक साल में, जब मैं मरने वाला हूं, तो आखिरी के एक साल में मुझे दौड़ना भी नहीं चाहिए, आखिरी के एक साल में मुझे योगा भी नहीं करना चाहिए,
और आखिरी के एक साल में किसी किसी से मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप अभ्यास बचा रहेगा, अगर अभ्यास बचा रहा मरने के बाद, तो वो एक जो वासना का जो ढांचा है जिसको हम संस्कार बोलते हैं, मैंने बताया था ना आपसे कि मरने के बाद वासना का ढांचा बचा रहता है, वो उसमें अभ्यास जो है वो बचा रहता है, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हो ना किसी चीज़ का, तो अभ्यास ख़त्म नहीं होता, ये बुनियादी है। ये अगर आप देखेंगे इस यूनिवर्स में, ये प्रोग्रामड है, ये एक कंडीशनिंग है इस यूनिवर्स की, भौतिक जगत की एक प्रोग्रामिंग है, एक लॉ है, कानून है, कि कोई चीज़ को अभ्यास किया जाएगा तो अभ्यास मरता नहीं है, आदमी मर जाता है, संस्कार मरते नहीं है। अब अभ्यास और संस्कार में डिफरेंस क्या है, सुनना ध्यान से। जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो, तो क्या रिपीट करने के बाद आप उसका पैटर्न तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। आप सिगरेट पी रहे हो, एकदम से आप सिगरेट नहीं छोड़ पाते हो, क्यों? क्योंकि आपने आज सिगरेट पिया तो कल आप बाउंडेड हो सिगरेट पीने के लिए ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि आपने आज ड्यूअलिटी का एक साइड क्रिएट कर दिया, तो ड्यूअलिटी का दूसरा साइड पेंडिंग है, एक हाथ दे एक हाथ ले कहते हैं ना, नहीं समझ में आया? अभ्यास अगर बना रहेगा तो कर्म होता रहेगा, कर्म और अभ्यास जो है वो दोनों ही एक ही साइड के दो पहलू हैं, बट दोनों साथ में आते हैं। और संसार बचा रहता है मरने के बाद, यानी संस्कार बचे रहते हैं, तो संस्कार का मतलब होता है संसार में करने वाले कार्य, कार्य मतलब होता है कर्म, कर्म मतलब होता है वर्क, और अभ्यास करोगे तो वो अभ्यास को एक्सप्रेस करने की टेंडेंसी बनी रहेगी, उस टेंडेंसी को कहते हैं वर्क। सुनना ध्यान से, जैसे ही अभ्यास छोड़ोगे, तो मतलब आज आप दौड़ने गए लेट से और 6 महीने तक आप दौड़े, तो एकदम से आप छोड़ नहीं पाओगे, आप हैबिचुएटेड हो, आप पेंडिंग पड़ा हुआ, आपने एकदम से छोड़ा, आपकी बॉडी कहेगी अरे चलो उठो भागो, चलो उठो भागो, तो वो कहेंगे, तो आप कहोगे नहीं भागना, लेकिन आपकी बॉडी शुरू के 3-4 दिन में 5 दिन में बहुत आपको सताएगी, अरे चलो उठो भागो, चलो उठो भागो, 6 महीने से भाग रहे हो, पागल हो गए हो क्या, चलो उठो। लेकिन जैसे ही आप उसको एक लेवल तक रोकोगे, फिर 10वें दिन 11वें दिन से क्या होगा, 12वें दिन से धीरे धीरे जो भागना है उसकी टेंडेंसी जो आपको सता रही थी वो गिर जाएगी, और वो आदत जो है वो सिस्टम से बाहर आ जाएगी धीरे धीरे 1-2 महीने बाद। ये होता है जब उछले काम कर रहे हो, निचले काम जो है शराब सिगरेट उसमें टाइम लगता है, 6-7 महीने 8 महीने 10, कोकीन 10 महीने, क्योंकि वो तामसिक है ना, तामसिक आदतें टाइम लेती निकलने में, राजसिक आदतें जो हैं तो उसको 10-15 दिन में गवाया जा सकता है, उसमें हार्डली 10 से 15 दिन लगेगा। तो कोई व्यक्ति है, उसने पूरी जिंदगी बांसुरी बजाई, तो वो व्यक्ति पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी भी, और वो पेंडिंग जो है उसका समय ही रन्स आउट ऑफ द टाइम, समय खत्म हो गया, समय समाप्त हो गया उसका। भाई बॉडी का समय समाप्त होगा ना, आप तो बजा रहे हो, आप तो 90 साल से बजा रहे हो, उससे बॉडी को क्या मतलब, बॉडी तो अपने टाइम पे जिएगी, अपने टाइम पे मरेगी, आपकी जो अभ्यास है वो मरता नहीं है। तो क्या होता है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब मर गए, अब 90 साल से बांसुरी बजा रहे हो, मरे पता क्या होगा, वो पेंडिंग पड़ा रहेगा, उस पेंडिंग पड़े रहे कर्म को, और ये एक कर्म है, एक आदमी में सिर्फ बांसुरी नहीं होगी, वो मीठा भी कम खाता होगा, वो खट्टा ज़्यादा खाता होगा, वो शराब नहीं पीता होगा, वो शराब पीता होगा, वो सुबह 4 बजे उठता होगा, वो सुबह 5 बजे उठता होगा, वो रात में 5 बजे उठता होगा, ये सारी ये सब मिलके एक ढांचा बनाती हैं, अभ्यासों का ढांचा, इस अभ्यास को हम प्रवृत्तियाँ बोल देते हैं, इसी प्रवृत्ति को हम अभ्यास कहते हैं। जब किसी चीज़ का अभ्यास करा जाता है तो वो प्रवृत्ति बन जाती है, प्रवृत्ति मतलब क्या, हैबिचुएशन, हैबिट, और इसी को बोलते हैं कि मरने के बाद संसार में ये बचा हुआ आपका संस के कार्य बचे हुए हैं, संस्कार बचा हुआ है। लेकिन आज हम संसार को कहाँ यूज करते हैं, मैनर्स, संस्कार का मतलब मैनर्स नहीं होता,
संसार में करने वाले कार्य। देखिए आप जो सुन रहे हो आपके अलग कार्य हैं, मेरे मैं जो सुन रहा हूँ मेरे अलग कार्य, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो सबके अलग अलग कार्य होते हैं। आपको हो सकता है शराब नहीं पसंद है, हो सकता है मेरे को पसंद हो सकता है आपको सिगरेट नहीं पसंद है, हो सकता है मेरे को पसंद हो सकता है आप सुबह 5 बजे उठते हो, सकता है मैं शाम को 5 बजे उठता हूँ। तो ये सब कुछ हमको डिफ्रेंशिएशन पैदा करती है हमारे अंदर, और ये एक गुच्छा बन गया है अलग अलग चीज़ों का। अब इस अभ्यास को गिराते कैसे हैं वृद्धाश्रम में? सिंपल सी चीज है, ब्रेक द फकिंग कॉन्टैक्ट। लेकिन आदमी छोड़ेगा ही क्यों? अब यहां तक क्लियर हो गया ना कि अभ्यास जो है, आप कॉन्टैक्ट को तोड़ दो, यू ब्रेक द संपर्क, संपर्क को खंडित करो। जैसे ही संपर्क खंडित हुआ, अभ्यास, प्रवृत्तियां, संसार में करने वाले कार्य, हैबिट्स, आदतें, वृत्तियां, ये सारी चीजें डिजॉल्व होने लगेंगी सिस्टम में। और अभी भी आप करके देख सकते हो, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप कहोगे कि आप मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपकी एक हैबिट बनी हुई है। तो अब वृद्धाश्रम चले गए, अब वृद्धाश्रम की भी तो आदत पड़ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वृद्धाश्रम की आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन होता क्या है कि वो ऐसी आदत नहीं है जो कठोर बीज बीज बन सके। भाई एक साल आप वृद्धाश्रम रहे ना, घर में अकेले रहे, एकांत रहे, या घर में अकेले रहे, कृष्णमूर्ति की तरह आप घर में अकेले रहे, अब आपको घर की आदत लग जाएगी? नहीं, घर की आदत नहीं बनेगी। आपको करना क्या, आपकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? आप घर में हो तो मोबाइल थोड़ी चला रहे हो, लैपटॉप थोड़ी चला रहे हो, स्पेशली आखिरी टाइम में जब आपका एक साल बचा हुआ है। तो घर में पैक हो गए, सुबह उठा, बेसिक खाना वाना खाया, बाहर बैठ गए और कंटम्पलेशन में चले गए, मेडिटेशन कर रहे हैं कि भाई अब मेरा समय आ रहा है, अब जो कुछ भी मेरा मन कर रहा है करने का उसको छोड़ो। तो शुरू के 10-15 दिन में कृष्णमूर्ति का मन हुआ होगा एक और लेक्चर दे दूं, एक और भाषण दे दूं, एक और बुक लिख डालूं। लेकिन शुरू में 1-2 महीने बाद उनको पता था कि अब नहीं करना है, तो धीरे धीरे उन्होंने माइंड बोलता गया करो करो करो, वो बोलते गए नहीं नहीं नहीं, माइंड बोलता गया करो 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 करो, वो बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसे करते करते जो प्रवृत्तियां हैं वो डिजॉल्व हो गई 2-3-4 महीने में। अब वो आदमी जब मरेगा तो वो खाली मरा है। तो एक तरीका होता है कि आप बैठ के मेडिटेशन में गहरे में जाके एक एक बीज को हटाओ, वो सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। और एक तरीका होता है कि आप पूरी जिंदगी अपने आप को प्रिपेयर करो मौत के क्षण के लिए, और जब मौत का क्षण आए तो सबसे कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दो। तो जब मेरा क्षण आएगा मौत का, तो आई विल ब्रेक द फकिंग कॉन्टैक्ट। मैं अपनी वाइफ से बोलूँगा ये बच्चे हैं तुम्हारे, तुम रहो इनके पास। मैं अपने बच्चों से बोलूँगा कि मैंने जो कर रहा है, और मैं कर तो लूँगा ही इतना कि एक घर खरीद सकूँ जहाँ पे मैं बाहर उसी घर में जाके मर जाऊँगा। मैं देह त्याग दूंगा, वो घर अकेला घर होगा। और वैसे भी मैं पिछले 17 साल से अकेले हूँ, तो किसी को भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। कृष्णमूर्ति को क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या अकेले मरने की? अकेलापन तो एक फ्लो है उसका, तो वो तो बन ही चुका था पहले से ही उनकी जिंदगी में। लेकिन क्योंकि लेक्चर दे रहे थे, इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे, बुक्स लिख रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एक अभ्यास पड़ा हुआ था, एक हैबिट्स पड़ी हुई थी। उन हैबिट्स का शक्तिशाली होना सही नहीं है मरने से पहले। तो क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, खटाखट 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 सब डिसॉल्व हो गया। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो हमारा, हम उसके बाद मरे अगर अभी अचानक से तो हमारा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जो बीज है उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये मेजर्स लेने पड़ते हैं। डेफिनेटली अगर आपकी अकाल मृत्यु होती है और आप आत्मज्ञानी हो, और अगर आपको सच में कुछ चाहिए बहुत बुरी तरीके से, तब तो डेफिनेटली आप यू नो इट विल स्टे, द डिजायर विल स्टे। बट वंस यू आर गोइंग इन टू अकाल मृत्यु, लाइक फॉर मी इफ आई गो, फंडामेंटल कोई बीज नहीं है तो सफरिंग तो हो ही नहीं सकती। लेकिन
क्योंकि कुछ आदतें पड़ी हुई हैं तो उनको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा, तो वो डिसॉल्व होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और शरीर नहीं होता, डिसोल्यूशन सही से नहीं होता है। तो हो सकता है कि एक स्टेट होती है पेंडिंग स्टेट, उस पेंडिंग स्टेट में मैं रहूं काफ़ी टाइम तक, जिसको हम प्रेत योनि बोलते हैं, पर वो क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई डर लगता है इसलिए। तो एक पेंडिंग जो स्टेट होती है, जो स्टैंड बाई पीरियड होता है, स्टैंड बाई जोन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वो पेंडिंग अभ्यास पड़ा हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला, पहली चीज़ तो आप कहोगे, अगर आप क्वेश्चन करते हो कि कोई चीज़ जब सब कुछ मर गया तो अभ्यास क्यों बचा, ये यूनिवर्स की फितरत है, इस यूनिवर्स की फितरत है। ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि, क्योंकि अगर आप जिंदा में भी देखें तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आउट ऑफ हैबिट कर रहे हैं। आप सुबह शाम मोबाइल चलाते रहते हैं, आउट ऑफ हैबिट कर रहे हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, आउट ऑफ हैबिट कर रहे हैं, आउट ऑफ एक, और वो हैबिट जो है बना कैसे, डिज़ायर से बना। शुरू में आपने उस साइकिल को चलाया, फिर वो साइकिल कंपल्सिव हो गई, तो कंपल्सिव साइकिल को गिराने के लिए लास्ट में एक डेढ़ साल पहले ही, मरने से पहले आप स्पेस क्रिएट कर लीजिए। अब क्या होता है, आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे ये करेंगे वो करेंगे। यस एग्जैक्टली, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए आसान क्यों था। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ रियलाइजेशन का, यानी आत्मज्ञान का। एक आदमी 50 साल सेल्फ रियलाइजेशन में जिया हो तो उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से अवचेतन मन में यह बैठ जाता है कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है, यानी वो वास्तविकता में जिया कि जी रहा है पिछले 50 साल से, वास्तविकता खुद की पहचान क्या है उसकी, वास्तविकता डिजायर की, वास्तविकता मोह की, वास्तविकता संसार की, वास्तविकता संसार के लोगों की, संसार के हर उस प्रश्न की जो प्रश्न लोग पूछते हैं और भटक जाते हैं, उसकी वास्तविकता। तो उस वास्तविकता में वो व्यक्ति पिछले 50 साल से जी रहा है, तो वो उसको एलिजिबल करती है एक साल के लिए लास्ट में वृद्धाश्रम या फिर किसी घर में रहने के लिए। आप अभी रहोगे ना, चाहे आप भले कुछ भी करो, तब भी आप नहीं रह पाओगे। इसीलिए जो पूरा जीवन है, वो क्या किया आपने पूरे जीवन में, कौन से कर्म किए, वो ज्यादा बड़ा रहेगा, रेदर देन कि लास्ट में आप वृद्धाश्रम चलेगा या किसी घर पे चलेगा अकेले रहने, कंपेरेटिवली। तो इसी वजह से जब लोग कहते हैं कि इसके कान में राम राम बोलो, तो मैं बोलता हूं उससे मैं नहीं बोलूंगा, भाड़ में जाओ। क्यों? कान में राम राम बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो खुद ही नहीं चाहता है यहां से जाना। जब वो व्यक्ति खुद ही यहां से जाना नहीं चाहता, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ पाना चाहता है, वो कुछ देना चाहता है, वो कुछ लेना चाहता है, वो जीना चाहता है, उसके अंदर ये फंडामेंटल ही नहीं गया है कि वो कौन है और संसार की वास्तविकता क्या थी। उसके डिजायर जो वो चाहता है, जो भी उसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिक डिजायर हैं, उसकी वास्तविकता क्या थी उसको यही नहीं पता, और वो मर गया। और फिर आप जाके बोलो राम राम बोलो, नहीं हो पाएगा। पूरे जीवन में क्या किया है वो ज्यादा बड़ा है, पूरे जीवन में, मतलब बचपन से लेकर जब तक मरे नहीं तब तक। तो आखिरी में कृष्णमूर्ति कैसे कर पाए, ही स्पेंड हिज डेज इन कैलिफोर्निया हाउस, हाउ, बिकॉज नथिंग वॉज लेफ्ट टू आंसर, लाइक नथिंग वॉज लेफ्ट टू एक्सप्लोर, एवरीथिंग वॉज एक्सप्लोर्ड ऑलरेडी। वेदर एवरीथिंग वॉज एक्सप्लोर्ड और इट वॉज निगेटेड, या तो हर चीज जो उनके मन में थी वो एक्सप्लोर हो चुकी थी या तो निगेट हो चुकी थी। और ऐसे बहुत सारे, ये तो मैं एक नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे संतों ने आइसोलेशन में आखिरी का समय गुजारा है। उसका एक कारण होता था, वो कारण था अभ्यास, जो चलन है, जो फ्लो है, उसको तोड़ना। हर चीज का एक फ्लो है दोस्तों, हर चीज का एक फ्लो है। अगर आप लास्ट में उसको नहीं तोड़ोगे ना, तो आपको दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी,
कहते हैं कि मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति फ्रॉम व्हाट? मुक्ति फ्रॉम अटैचमेंट्स एंड डिजायर्स, नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बिकॉज इफ यू आर मुक्त फ्रॉम अटैचमेंट्स एंड डिजायर, यू हैव ऑलरेडी रीच्ड देयर। नाउ जस्ट एक छोटा सा पुश चाहिए, वो पुश जो है वृद्धाश्रम करता है कम। लास्ट में आइसोलेशन होना चाहिए, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले यह पता होना चाहिए कि जिस चीज के लिए मोक्ष प्राप्त किया, जिस चीज से मोक्ष प्राप्त किया जा रहा है, जिस वस्तु से, जिस कारण से मोक्ष प्राप्त किया जा रहा है, वो कारण अर्थहीन है या अर्थवान है तुम्हारे लिए। मतलब डू यू गिव द फकिंग मीनिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर वर्क और ऑब्जेक्ट? इफ यू गिव सम मीनिंग, इफ यू हैव वन सिंगल थॉट दैट कि ये इसमें सुख है, लड़की में सुख है, औरत में सुख है, काम में सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, जहां भी आप कहोगे वो आप मीनिंग इमीडिएटली आपने मीनिंग दे दिया उसके लिए, या फिर आपने कह दिया नहीं मेरे लिए जरूरी है, मुझे करना है, मुझे करना है, वो एक डिजायर है, आपने मीनिंग दे दिया, आपने इमीडिएटली अर्थ दे दिया। तो मोक्ष प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को इस चीज का बोध होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मोक्ष और द ऑब्जेक्ट ऑफ लिबरेशन, वेदर दैट हैज मीनिंग और इट इज मीनिंगलेस। वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, देन ओनली मोक्ष की, मोक्ष का जो मार्ग है, उसका जो पहला कदम है, जो पहला पद है, वो स्टार्ट होगा। नहीं तो उससे पहले कोई स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है। फॉर मी नथिंग हैज मीनिंग। जैसे जैसे मैं आगे एज करता जा रहा हूं, इस साल जो 2024 गया, इसमें काफी कुछ और गहरे गहरात्मक स्तर पे मैंने वैराग्य की प्राप्ति करी। वैराग्य मैंने बताया ना, जैसे जैसे मैं एज करूंगा मेरा वैराग्य और गहरा होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा, मुझे पता है ये पॉइंट कब आने वाला है, अगले 2-3 साल में आने वाला है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो महावैराग्य बोलते हैं उसको। इस पॉइंट में क्या होता है कि आपकी आखिरी में हर एक चीज को आप ऑब्जर्व और क्वेश्चन कर लेते हो, और फिर आपको एक्चुअली में फील आने लगती है कि ये पूरा का पूरा जो संसार, जो कि अभी मुझे आती है कभी कभी, ऐसा नहीं कि पर ये परमानेंट हो जाएगी, कि पूरा का पूरा जो संसार है ना, इसमें सब कुछ मीनिंगलेस है, तो इमीडिएटली यहां से निकलो, ये एक फील आती है योगी को। कोई भी योगी होगा अगर वो इस ज्ञान पे चलेगा तो छोड़ने का उसका प्रयास, कि एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि हर तरफ से आपने करके देख लिया सब कुछ, आपने लोगों को, आपने एक मिशन पकड़ लिया कि लोगों को सुधारना है, आपने मिशन पकड़ लिया पैसा कमाना है, सब कुछ करके देख लिया, अब आखिरी में जो बचेगा वो होगा मीनिंगलेसनेस। और मीनिंगलेसनेस से मरना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ को इसीलिए एक राम परमन रामकृष्ण की कहानी है कि वो हमेशा लोगों को खाना देते थे, सॉरी लोग हमेशा लेक्चर्स देते थे, तो स्टूडेंट आते थे रात में, शाम को लेक्चर्स देते थे, ज्ञान बढ़ता था, पढ़ाई होती थी, फिर वो चले आते थे, और रामकृष्ण परमहंस अपनी वाइफ से कहते थे अरे खाने में क्या है, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और उसके जब लोग चले जाते हैं तो तुम खाना मांगते हो, खाने में क्या है, इतना ही खाने से अगर मोह माया है, इतना ही खाने से प्यार है, इतना ही खाने से मोह है, तो पागल हो क्या तुम, क्यों ये सब कर रहे हो, वही करो, खाना खाओ, मौज करो। तो उन्होंने बोला जिस दिन मैंने खाना मांगना बंद कर दिया, उसके 3 दिन में मैं चला जाऊंगा, वही हुआ, 3 दिन बाद वो खत्म हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, यू नीड वन मिशन, वन सिंगल थिंग, वन सिंगल एंकर इन दिस वर्ल्ड, वन सिंगल थिंग, व्हाटएवर इट इज देयर, वो कुछ भी हो सकता है, सबसे आखिरी में जो एंकर होता है वो होता है मुझे जीना है, मुझे नहीं पता क्या जीना है, बस मुझे जीना है, बस मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है, ये भी एक एंकर होता है। और एक एंकर होता है कि मुझे अब ये करना है, बस ये एक हो जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, कुछ भी एंकर होता है, एक एंकर पकड़ के रखना पड़ेगा। तो मेरा वही एक ही एंकर है,
लाखों एंकर नहीं है, एक एंकर। और वो एक एंकर अभी फिलहाल के लिए तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग मेरी अच्छी है, तो मुझे पता है आगे इसको मैं ग्रो करूँगा अच्छे से। लेकिन जैसे ही वो गिरा एंकर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बिकॉज वंस यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग, यू आर एक्चुअली वॉन्टिंग टू गो, थिंग्स विल हैपन, दैट इज इट। सो दैट वन एंकर हैज टू बी लिफ्टेड ऑफ, मे बी आई डोंट, आई हैव नो आइडिया, मे बी नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years, आई हैव नो आइडिया। इट इज जस्ट दैट कि मे बी इट्स नॉट लाइक कृष्णमूर्ति की तरह मैं अपना ऐसे लेक्चर्स भी देता रहा हूँ, लास्ट में एकदम से खत्म करूँ, वो भी हो सकता है। वो उसको कि जरूरी नहीं है ना कि हो सकता है यू कैन, वी कैन यूज यू, लाइक यू आर अ गुड पर्सन, सो जो कुछ भी है दे के जाओ, जो इन्फॉर्मेशन है वो दे के जाओ, लोगों की हेल्प करके जाओ। तो वही कृष्णमूर्ति ने भी किया, 1994 में 95 तक उन्होंने काफ़ी हेल्प करी लोगों की, गए दिया चले गए। तो होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, बट दिस इज वट आई वॉन्ट टू टेल यू, दैट द फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर एग्जिस्टेंस इज अभ्यास। यू आर बॉर्न बिकॉज यू हैव डन सम अभ्यास, यू विल डाई एंड यू वॉन्ट टू स्टिल डू सम अभ्यास, द अभ्यास ऑफ शराब, द अभ्यास ऑफ अय्याशी, और द अभ्यास ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अभ्यास ऑफ राजसिक कर्म, और अभ्यास ऑफ तामसिक कर्म और सात्विक कर्म, वट एवर कर्म। If the अभ्यास is there, the cycle is there, and the circle, that circle जो मैंने शुरू में बात करी थी podcast में, that is also there. So आज आपको पूरा पता चला कि कैसे cycle बनती है और कैसे cycle तोड़नी है, cycle की importance क्या है इस पूरे के पूरे दुनिया में, और अंतरिक्ष और मन में जो मैंने तुलनात्मक बातें करी वो आपको समझ में आई, क्योंकि अंतरिक्ष में जो कुछ भी होता है एग्जैक्टली वैसे ही मन में होता है। एग्जैक्टली।